It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल अन अकेडमी गेट CCH. सो वेरी गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को. तो गुड आफ्टरनून सबको. फटाफट सेशन को जल्दी से लाइक शेयर करेंगे. हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे. थंबनेल पे जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, प्लास्टिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं. प्लास्टिक्स कवर करेंगे. चलो तो शुरू करते हैं अपनी बेहतरीन क्लास को हम लोग जल्दी से. गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को. देवेंद्र, रितेश, जितेंद्र, फहीम, दुर्गेश और जितने बच्चे जुड़ रहे हैं सबको सर की तरफ से भाई गुड आफ्टरनून. तो आज का जो टॉपिक है तुम लोग देख सकते हो थंबनेल पे, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक्स. ठीक है, तो प्लास्टिक्स में क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्वेश्चंस वगैरह उस हम डिस्कस करेंगे. सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो हमारा है वो है एनसीईआरटी. क्लास 12th में पॉलीमर्स एक चैप्टर हुआ करता था, वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन होने के चांसेस. तुमको वो पीडीएफ तो हम दिखाई देंगे, बाकी साथ साथ सर ने एक पीडीएफ तैयार की है और उसी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. पॉलीमर्स के अंदर मेनली हम लोग को देखना है कि आखिर पॉलीमर होता क्या है, आखिर पॉलीमर क्या है, उसको किस किस तरीके से क्लासीफाई किया गया, ये हमको अच्छे से देखना है. ठीक है, पॉलीमर हमारा क्लासिफाई कैसे होता है. और उसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स, चाहे वो एडिशन पॉलीमर्स के एग्जांपल हो, चाहे वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जांपल हो. बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग को देखने हैं जिनको हमें याद भी करना है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे एग्जांपल पूछेंगे कि भाई ये कौन से टाइप का है, नायलॉन 6,6 क्या है, नायलॉन 6 क्या होता है. तुमसे सीधे पूछेंगे पीवीसी क्या होता है या बेकलाइट क्या है. तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए. तो हम इन सबको आज याद करने की कोशिश करेंगे और एक बहुत ही बढ़िया टेबल सर तुमको देंगे जिसके अंदर हम लोग पॉलीमर के सारे एग्जाम्पल अच्छे से देखेंगे. ठीक है, तो जल्दी सब लोग तैयार हो जाएंगे. फटाफट सेशन को पहले शेयर कर देंगे जल्दी से एक बार, है ना, शेयर वेयर कर देंगे और फटाफट हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, तो सभी बच्चे सर को जानते हैं. ठीक है, और सभी लोग सर को जानते हैं. माय नेम इज चेतन सक्सेना. बेस्ट गेट रैंक इज 55 एंड 301. एक्सपर्ट इन गेट ESE और एमटेक मैंने अपना आईडोट से कर रखा है. लगातार 4 बार गेट निकाला है. बेस्ट गेट स्कोर 902 है. टीचिंग एक्सपीरियंस 3 साल से ऊपर का. सब्जेक्ट्स जो है वो कॉन्क्रीट और बीएमसी भी चल रहे हैं और ये सब सब्जेक्ट्स हैं जनरली सर पढ़ाते हैं। अभी फिलहाल बीएमसी हम लोग देख रहे हैं और आज हम लोग प्लास्टिक डिस्कस करेंगे। सर का कोर्स सीएस है जिसको यूज़ करके तुम बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हो अनअकैडमी के ऐप पे और कॉम्बैट सेशन अटेंड कर सकते हो, बहुत सारे फ्री टेस्ट देख सकते हो, ठीक है, फ्री टेस्ट दे सकते हो कहाँ पे, अनअकैडमी के ऐप पे। तो ऐप डाउनलोड करके तुम लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें फ्री भी हैं, बहुत सारी चीज़ें पेड भी हैं, तो तुम अपने हिसाब से ऐप डाउनलोड करके CSN कोड यूज़ कर सकते हो। चाहे तुम फ्री प्रोडक्ट की यूज़ करो, चाहे तुम पेड प्रोडक्ट यूज़ करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। और बाकी सब्सक्रिप्शन अगर बात करें, देखो दो सब्सक्रिप्शन, एक प्लस का है, एक प्लस का और दूसरा क्या है, आइकॉनिक का। तो प्लस के अंदर तुमको लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, इंग्लिश हिंदी और दोनों ही लैंग्वेजेस मिलता है तुमको, RIV सब कुछ मिलता है। ये हमारा प्लस के अंदर है। और आइकॉनिक में तुमको पर्सनल कोर्स मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही बेस्ट सुविधाएं हैं जो तुमको आइकॉनिक के अंदर मिल रही हैं। फीस की अगर हम लोग बात करें यार, तो 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की फीस यहाँ पे लिखी हुई है। और एक तुमको बात बताते हैं हम और, कि अभी यार ऐसा है कि 1 ईयर का अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुमको 3 मंथ्स और एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब टोटल इसी प्राइस में, इसी प्राइस से तुमको 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। कोड यूज़ करेंगे CS10 जिससे तुमको ये प्राइस मिल जाए। अगर तुम कोड यूज़ नहीं करोगे तो तुम ज़्यादा प्राइस पे कर दोगे, इसलिए कोड ज़रूर यूज़ करना ताकि तुमको ऑफ मिल जाए, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं 25% ऑफ मिल जाएगा। इसका 25% होता है 312 का, ऑब्वियसली 15 महीने तुमको मिल रहा है इसी प्राइस में। लेकिन ये ऑफर तुमको याद रखना है, वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 28 अप्रैल तक, मतलब कल तक, ठीक है। तो 28 अप्रैल तक ये ऑफर वैलिड है और तुम लोग पढ़ाई कर सकते हो अपना 28 अप्रैल तक। देख लेना, कल का दिन है जिसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं होगा, फिर तुमको 12 महीने का ही मिलेगा, ठीक है। तो सब लोग इसको याद रखेंगे। और बाकी तुम यार देख सकते हो, अगर तुम्हें 15 मंथ्स सफिशिएंट नहीं लग रहे हैं तो तुम 1.5 साल या 2 साल के लिए जा सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही तुम आइकॉनिक देख सकते हो, 1 साल का और 2 साल का, सारे ऑप्शन तुम्हारे सामने अवेलेबल हैं। आइकॉनिक के फीचर्स थोड़े बढ़िया हैं तो वो भी तुम ऑप्ट कर सकते हो। एक तुमको उसमें मेंटोर मिल जाएगा जो परमानेंटली तुमको गाइड करेगा, ठीक है। तो अगर तुम लोग मेंटोरशिप में आना चाहते हो तो तुम लोग आराम से देख सकते हो, ठीक है। उसके अगर बात करें, अनअकैडमी के ऐप पे सभी बच्चे सर को फॉलो कर लेंगे जहाँ पे सर स्पेशल क्लास लेते हैं तुम लोग के लिए। और अभी फिलहाल शाम को हम लोग स्पेशल क्लास कंटिन्यू कर रहे थे, RCC क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी हम लोग फिर BMC के भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी सिलेबस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अपनी चलती रहेगी। फिलहाल कल शाम को 5 बजे तुम्हारी RCC क्लास होगी, आज नहीं होगी, कल शाम को 5 बजे RCC क्लास होगी, ठीक है, स्पेशल क्लास में। तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके सभी लोग मुझे फॉलो कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है। ये लिंक है, सबको पता है। तो सिलेबस हमारा चल रहा था बिल्डिंग मटेरियल्स का, जिसके अंदर हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया था। फटाफट सेशन को लाइक शेयर करते चलेंगे सब लोग, है ना। और तो क्या क्या देखो हमने कवर कर लिया था, ऑलमोस्ट सब कुछ हमने कवर कर लिया। बस अब हमारा प्लास्टिक और स्टील बच रहा है ESE के सिलेबस में, ठीक है। प्लास्टिक और स्टील बच रहा है ESE के सिलेबस में, बाकी ठीक है, बाकी हमने सब कवर कर लिया है। तो जैसा कि तुम देख सकते हो सिलेबस सब कुछ खत्म है, बच क्या रहा है सर वहाँ पे हम लोग मार्क करते हैं। एक तो हमारा हो गया है प्लास्टिक बचा है और स्टील बचा है, यही दोनों बचे हैं। बाकी स्टोन, लाइम, ग्लास, FRP, सिरेमिक, एल्यूमिनियम, फ्लाई ऐश, हमने एक एक चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से खत्म कर ली है भाई, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से हमने सब खत्म कर लिया है। तो आई होप तुमको सब कुछ समझ में भी आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपना यार पॉलीमर्स की ओर। पॉलीमर्स हम लोग पढ़ेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, आज पॉलीमराइजेशन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन लेके चलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको समझेंगे यार, है ना, कि क्या होता है, क्या सा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, पॉलीमराइजेशन शुरू करते हैं। इसके बाद एक तुमको हम PPT दिखाते हैं, ये तुम्हारा क्लास क्या नाम है, क्लास 12 की NCERT, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये तुम देख सकते हो, चैप्टर नंबर 15 है क्लास 12 का, ठीक है। पॉलीमर्स चैप्टर तुम यहाँ देख सकते हो। इसमें क्या है कि बेसिकली देखो, हम तुमको पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देते हैं, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तुमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। पहले बताया गया इस बेसिक में कि पॉलीमर्स हमारा होता क्या है, तुमको हम समझाएंगे ये सब, है ना। उसके बाद क्या है, पॉलीमर्स को क्लासीफाई किया गया है, देखते हैं एक बुक के फॉर्म में है पूरा ये, ठीक है। तो सर इसमें क्या क्या किया गया है, सर देखिए इसमें इन्होंने पॉलीमर्स को फिर क्लासिफाई किया है, जैसे नेचुरल पॉलीमर्स क्या होता है, सिंथेटिक क्या होता है, सेमी सिंथेटिक क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद इन्होंने अलग अलग टाइप की पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के बारे में समझाया, जैसे कि एक होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना, एक हमारी ये हो गई, बाकी और भी होती हैं, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा है, फिर इन्होंने एडिशन पॉलीमर्स के बारे में बताया है, एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं हमारे, उसके बारे में समझाया गया यहाँ पे, ठीक है। एक पेज लग रहा है मिसिंग है क्या यहाँ पे, चलो कोई नहीं। फिर इन्होंने एडिशन पॉलीमर्स के बारे में समझाया हुआ है, यहाँ तुम देख सकते हो अलग अलग टाइप के एडिशन पॉलीमर्स हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने जो है क्या नाम है, ये देखते चलो PDF। फिर इन्होंने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में समझाया, हमको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पता होना चाहिए, एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं पता होना चाहिए, कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उनके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे नायलॉन 6,6 तुमको पता होना चाहिए, इनके मोनोमर्स क्या है, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा आज, ठीक है। तुम थोड़ा सा पहले ओवरव्यू लो, तुमको समझ में आनी चाहिए। तो ये सब तुम्हारे कंडेंसेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये सब तुम्हारा क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 15 में तुम लोग चाहो तो ये पीडीएफ तुमको वैसे भी एनसीईआरटी साइट से मिल जाएगी आराम से, ठीक है, सब अवेलेबल पड़ा है। फिर कोपॉलिमराइजेशन क्या होता है और बाकी फिर एंड में कुछ अदर इंपॉर्टेंट, रबड़ क्या होती है, हाँ देखो इससे क्वेश्चन। अच्छा देखो ये जो चैप्टर पॉलीमर्स है ये तुम्हारा ईएससी का जो नॉनटेक है ना उसमें भी काम आएगा। मटेरियल साइंस के अंदर भी प्लास्टिक्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीधे सीधे एग्जाम्पल्स आए कि ये कौन सा है ना पॉलीमर है, तो तुमको पता रहना चाहिए। बाकी इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वल्कनाइजेशन, वल्कनाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चन ईएससी में पूछा जा चुका है एक बार, तो वो तुमको हम आज समझाएंगे। और फिर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा जिसमें रबड़ के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और फिर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ये बायोडिग्रेडेबल हैं, इनसे फिलहाल मतलब नहीं है इतना, और एंड में कुछ इंपॉर्टेंट हमारे क्या नाम है पॉलीमर्स, और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त, ठीक है। तो बस छोटा चैप्टर है, फटाफट देखते हुए चलते हैं और ठीक है। तो ये तुम मतलब ये हम तो बता रहे हैं कि एनसीईआरटी पर एक बार नजर तुम लोग खुद से मार लेना, ठीक है। तुमको हमने एनसीईआरटी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है कि हाँ भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। चलो बाकी हमने एक अलग से पीपीटी बनाई है, तुमको हम बताते हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल उनको पढ़ना यहाँ पे ये है जो हमने पीपीटी तैयार की है, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अंदर लोग बेसिक सारा क्लासिफिकेशन टाइप सब कुछ इसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो चलो बहुत छोटा चैप्टर है, उम्मीद कर रहे हैं आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलीमर आके होता क्या है, ठीक है। इसको हम लोग अपना एनसीईआरटी से ही समझ लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज पॉलीमर, बहुत बेसिक सी चीज है यार, बहुत बेसिक सी चीज़ है। देखो यार पॉलीमर्स जो हमारे होते हैं, तो पॉलीमर्स जो हमारी बनती हैं वो सर क्या है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपके आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर इनका जो मॉलिकुलर मास है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। भाई खुद सोचो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, वही हमारा क्या होता है पॉलीमर होता है। और तो सर एक बात हमको समझ में आ रही है, अगर पॉलीमर बनाना है, पॉली मतलब बहुत सारे है ना, पॉलीमर मतलब बहुत सारे, अगर आपको मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है तो आपको इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को पहले लाना पड़ेगा, है कि नहीं। अब देखिए ऐसा हो सकता था, दो चीज़ें होती हैं भाई, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स मेरे डायरेक्टली जुड़ गए, अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स मेरे डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं, ऐड हो सकते हैं, सीधे ऐड हुए, ठीक है। पहले एक और एक मॉलिक्यूल जुड़ गया, फिर इसमें तीसरा आके जुड़ गया, फिर इसी में चौथा आके जुड़ गया, इसी में पाँचवा आके जुड़ गया, और इस तरह से एक बड़ी सी चेन बन गई, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो जुड़ते ही चले जाएँ, ये हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है सर इसमें कि कंडेंसेशन रिएक्शन हो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो। इसका क्या मतलब होता है कि दो जब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो कुछ एक स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर हो जाए, जैसे पानी बाहर निकल गया, या मान लो कोई अमोनिया गैस लिबरेट हो गई तो दो जुड़े, इस तरीके के रिएक्शंस होती हैं अलग अलग टाइप की, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज पॉलीमर, तो तुम्हें बताना है पॉलीमर एक ऐसी चीज़ है सर, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बड़ा है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, जिसका साइज काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसका साइज काफ़ी ज़्यादा होगा। और सर इसकी कमाल की बात यह है कि इसमें बहुत सारी इंडिविजुअल यूनिट्स हैं जो जुड़ जुड़ के बनी हैं, काफ़ी सारे नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स के बाद ये बनी हुई है जुड़ जुड़ के, ठीक है। तो कैसे क्या होता है जरा समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो तुम पहले तो एक बात समझ लो, दीज आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर दीज आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, जिनका मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा तभी इनको हम लोग बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये एनसीईआरटी ऐसा बोल रही है, ठीक है। एनसीईआरटी बोल रही है कि पॉलीमर्स जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत सारी इंडिविजुअल यूनिट्स से जुड़ के बना है, और जो इंडिविजुअल यूनिट्स होता है उनको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। अब आते हैं हम लोग अपनी पीपीटी में, तो यहाँ पे देखते चलेंगे सब लोग। तो सर देखिए आपने बताया पॉलीमराइजेशन में दो तरह की यूनिट हैं, ध्यान देते चलेंगे सब लोग, सुनते चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। सर देखिए यहाँ पे तुम लोग को विजिबल हो रहा होगा यार, उम्मीद कर रहे हैं विजिबल है, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो क्या देखने को मिल रहा है सर, यहाँ पे इथीन है। एन का मतलब क्या है, इथीन एक मॉलिक्यूल है CH2 और डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा इथीन है। इसमें सर एन क्यों लिया आपने, मतलब बहुत सारे हमने यहाँ पे इथीन के मॉलिक्यूल्स लिए हैं। और सर क्या है, इसका डबल बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड टूटता है, फिर ये रिपीटिंग यूनिट है, ये एक मोनोमर है सर, दिस इज वन मोनोमर, यहाँ लिख देते हैं दिस इज वन मोनोमर, ठीक है। लेकिन इस मोनोमर के रिपीट होने से, इस मोनोमर के बार बार रिपीट होने से क्या बन जाता है, हमारा पॉलीमर बन जाता है, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा सर, ये इथीन है, इथीन अभी एक है, फिलहाल एक है, लेकिन जब ये बहुत सारे रिपीट होकर आपस में जुड़ते हुए चले जाएंगे, एक बड़ी सी चेन बन जाएगी, तब इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीथीन पॉलीमर। पॉलीइथीन क्यों बोला भैया, इसको हमने पॉलीइथीन इसलिए बोल दिया है क्योंकि पहले एक इथीन था यार, पहले एक था, अब बहुत सारे इथीन हो गए सर, n नंबर हो गया है, तो भैया पॉली इथीन, पॉली मतलब बहुत सारे, इथीन एक सिंगल मॉलिक्यूल था। तो बहुत सारे मोनोमर जब जुड़ते हैं, जब बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर व्हाट इज पॉलीमर। तो हम समझ गए आज कि जब बहुत सारे मोनोमर्स रिपीट करते हैं, रिपीट करते चले जाते हैं और एक चेन बना के लाइन से जुड़ जाते हैं, ठीक है, एक चेन बना के लाइन से जुड़ जाते हैं, तो हमारा बनता है सर क्या, पॉलीमर, ठीक है। तो क्या बनता है पॉलीमर। सर क्यों बनाया, क्या फायदा है, इसके क्या यूजेस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, ये हमको आगे समझना है। फिलहाल पहले तुम ये जानो कि सर ये जुड़ते कितनी तरीके से हैं, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन हमको समझना पड़ेगा। अच्छा एक तो सर आपने बताया कि सीधे सीधे जुड़ते ही चले जा रहे हैं भाई, जुड़ते ही चले जा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। सर जुड़ते ही चले जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडिशन पॉलीमर। और अगर देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे सर एक मॉलिक्यूल है हेक्सामेथिलीन डायमाइन, वेरी इंपॉर्टेंट यार, एग्जाम में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है, इसको तो बेटा याद ही कर लो, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सब लोग। हेक्सामेथिलीन डायमाइन एडिपिक एसिड, ये दो हैं, देखो ये दो देख सकते हो, ठीक है। जब इनका पॉलिमराइजेशन होता है, ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो होता क्या है, साथ ही में यहाँ पे तुमको एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, वो दिखाई देगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक सेकंड रुको जरा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकलता है, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, चलो फिलहाल यहाँ पे तुम जान लो कि एक वाटर का मॉलिक्यूल हटता है, मतलब कुल मिला के सर यहाँ भी एडिशन, मतलब यहाँ भी जुड़ रहे हैं लेकिन साथ ही साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल हर रिएक्शन में हट रहा है ना, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, क्योंकि इसमें एडिशन तो हो ही रहा है सर लेकिन साथ ही साथ एक मॉलिक्यूल बाहर कंडेंस होकर बाहर आ रहा है, ठीक है। तो या तो डायरेक्टली ऐड होता चला जाए, कुछ भी बाहर ना आए, और या तो इसमें क्या है सर इनकी रिएक्शन होगी और यहाँ से H2O जो है निकलता चलेगा और हमारा ये नायलॉन 6,6 बनता जाएगा, ठीक है। नायलॉन 6,6 हमारा एक पॉलीमर है जिसके मोनोमर्स क्या हैं, जिसके मोनोमर्स अलग अलग हैं। भाई देखो यहाँ पे क्या था, इथीन इथीन के साथ जुड़ता जा रहा था, तो यहाँ पे सेम था, इसको बोलेंगे मोनोमर, है ना, इसको बोलेंगे मोनोमर। लेकिन मोनोमर कैसे हैं सर? एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, सेम मोनोमर्स यहाँ पे रिपीट हुए, लेकिन यहाँ पे सर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कंडेंसेशन भी हो रहा है, उसके साथ साथ सर हम यहाँ देख रहे हैं दोनों अलग अलग मोनोमर हैं, तो ये अलग अलग मोनोमर हो गए और फिर हमारा यहाँ पे कंडेंसेशन होने के बाद हमारा यहाँ पे पॉलीमर बन गया जिसके अंदर दो दो मोनोमर का इन्वॉल्वमेंट है, दो दो मोनोमर का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि नायलॉन 6,6 के जो बना है हमारा उसका मोनोमर क्या है, तो तुमको पता रहना चाहिए उसका मोनोमर हेक्सामेथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड है। तुम इस एग्जाम्पल को देखो बस, इसके अलावा और ज्यादा चैप्टर कुछ याद करने के लिए है नहीं, तुम पहले इस एग्जाम्पल को ध्यान समझ लो, बाकी सारी चीजें बहुत आसान है, ठीक है। एक बार फोकस करेंगे, तब तक सर जरा तुम लोग के कमेंट्स ले लें, ठीक है। थैंक यू बेटा अवनीश, पीडीएफ बेटा इन सबका मिल जाएगा। अनुराग ने पूछा डिजाइन विक्सी टेबल, बेटा याद नहीं करनी होती है, जितना जरूरत का होगा वो तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, उतना याद नहीं करना है, हमको भी याद नहीं है, वो सब याद नहीं करना, वो सब तुमको मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि पीडीएफ का मिलेगा, पीडीएफ तुमको मिलेगा टेलीग्राम चैनल, सही बच्चे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके सर्च करेंगे चेतन सर को, बस चेतन सर लिखो, चैनल मिलेगा, वहां पे तुमको पीडीएफ हम सब डाल देंगे, बिल्कुल चिंता ना करो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ सब जाएंगे। चलिए सर तो आगे बढ़ते हैं, इतना हम लोग समझ गए हैं, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ओके सर बढ़ते हैं आगे। अब हमको मेनली पढ़ना है इसका क्लासिफिकेशन, हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है क्या करके, बहुत ही ईजी है यार इसका। तो क्लासिफिकेशन बहुत ठीक है, चलो तो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। हमको सर पॉलीमर समझ में आ गया, पॉलीमर सर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल बात है, दो एक ही तरह के मोनोमर जुड़ जाएं या तो दो अलग तरीके के मोनोमर जुड़ जाएं, क्या पता कोई एलिमेंट बाहर आए, क्या पता कोई मॉलिक्यूल बाहर ना आए, ठीक है, कई सारी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन हाँ इतना बात हमको समझ में आ गई है कि बहुत सारे मोनोमर जुड़ेंगे और जुड़ जुड़ के वो क्या बनाएंगे, एक लंबी सी चेन में बनाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीमर, जिसका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी जबरदस्त होती हैं, थोड़ा सा टफ और हार्ड हो जाता है, जिसको हम लोग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अरे तुम ये बताओ यार, कभी भी तुमने ऐसा देखा है कि कहीं पे प्लास्टिक का यूज़ ना किया गया हो, पॉलीमर्स का यूज़ ना किया होगा, बहुत ज़बरदस्त यूज़ है इंडस्ट्री में। तो आओ इसको सीखते हैं हम लोग फटाफट। अब देखो हम लोग सर सबसे पहले जरा इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, तो देखो बहुत सिंपल है, पहले तो बेस्ड ऑन सोर्स, पहले तो हम लोग देखते हैं इसको बेस्ड ऑन सोर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेचुरल का मतलब ये ऑब्वियसली को ऐसे पॉलीमर्स है जो नेचुरली हमको प्लांट्स और एनिमल की बॉडी मिलते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, सेलुलोस हो गया, रबर, सिल्क, वूल, ये सब हमारे नेचुरल प्रोटीन्स हैं। फिर सिंथेटिक मतलब जो मैनमेड ने बनाए, जैसे कि लैब में बनाए जाते हैं, जैसे कि ये सारे नायलॉन, पॉलिएस्टर, नियोप्रीन, बेकलाइट, इन सबको देखो आज हम लोग सब पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये सब सिंथेटिक मतलब मैनमेड, और ये सेमी सिंथेटिक मतलब सर ये एक्चुअल तो नेचुरल थे, लेकिन मैन ने क्या करा कि एक्चुअल वाले में नेचुरल जो हमारे कुदरती एग्जिस्ट कर रहे थे उसमें थोड़ी छेड़छाड़ करके हमने उसमें मॉडिफिकेशन करके हमने क्या करा, उसमें थोड़ी छेड़छाड़ करके उसको सेमी सिंथेटिक बना दिया, मतलब थोड़ा नेचुरल थोड़ा सेमी सिंथेटिक। तो बेस्ड ऑन सोर्स यहाँ पे तीन तरह के हमारे पॉलीमर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसको जल्दी देख करो, कुछ इसमें खास नहीं है। बाकी स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम देखें तो तीन टाइप के होते हैं सर, एक होता है लीनियर पॉलीमर, एक होता है ब्रांच और एक होता है क्रॉस लिंक। अगर तुमको इसका थोड़ा सा डायग्राम दिखाएं, तो ये देखो, ठीक है, देखो तीन है यार, देखो नाम से समझो लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक, ठीक है। एक बात समझो, क्रॉस लिंक जब हमारी चेन्स में, जब जैसे मान लो यहाँ पे दो लंबी लंबी चेन उसके बीच में क्रॉस लिंक बन जाए तो उन चेन का खिसकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में क्रॉस लिंक है तो ऑब्वियसली वो बहुत स्ट्रांग होंगे। लेकिन अगर क्रॉस लिंक नहीं है, जैसे कि लीनियर है, तो वो स्लाइड कर सकते हैं और ऑब्वियसली वो वीक होंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स अगर हम समझते हैं, लेकिन पहले जरा इन तीनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि सर आप बता रहे हैं लीनियर पॉलीमर्स, तो यहाँ लीनियर पॉलीमर्स देख सकते हैं, इस तरह की लंबी लंबी चेनें रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक CH2 होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, तो इस तरह से बॉन्ड्स बने रहते हैं बहुत सारे। ठीक है, देख सकते हो कोई क्रॉस लिंकिंग वगैरह कुछ नहीं है। इनके एग्जाम्पल सर क्या क्या हमारे पॉलीथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, देख पा रहे हो तुम लोग, पॉलीथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, और ये सब बेसिक हमारी लीनियर वाले हैं। और फिर ब्रांच में क्या है, सब ब्रांच में क्या होता है, कार्बन की कुछ चेन्स साइड में निकली होती हैं। ठीक है, मेनली तो लीनियर चेन्स ही हैं, लेकिन सम ब्रांचेस हैं, सम ब्रांचेस आर देयर। ठीक है, सिंपल सी बात, ये हमारा क्या हो गया, ब्रांच चेन हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, क्रॉस लिंक की। सर क्रॉस लिंक बहुत जबरदस्त होता है, इसमें क्या है सर, इसकी जो स्ट्रेंथ वगैरह है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सर क्या होता है, यहाँ पे इस चेन, इस लेंदी चेन और इस लेंदी चेन के बीच में एक जबरदस्त कोवेलेंट बॉन्ड आ गया है जो कि इसको पकड़ के रखेगा अपनी जगह। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है, तो ये सबसे स्ट्रांग माने जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, बेकलाइट और मेलामाइन। तुमको भी बेकलाइट, मेलामाइन और तुमको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सर ये पॉलीथीन क्या है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है। अरे भैया, ये सब पॉलीमर्स हैं जो सर तुमको आज सब एक साथ बताएंगे। आज तुमको हम ऐसी टेबल देंगे जिसके बाहर एक भी पॉलीमर तुमसे पूछा नहीं जाएगा। वो टेबल अगर तुमने देख ली एग्जाम से पहले, तो तुम्हारे सारे पॉलीमर्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तुमको आज पता चल जाएगा कि बेकलाइट क्या होता है, नायलॉन 6,6 क्या होता है, डैक्रॉन क्या होता है, बाकी पीवीसी क्या होता है, पॉलीथीन क्या होता है, टेफ्लॉन क्या होता है, सारे टाइप के पॉलीमर, करीब 18-19 पॉलीमर्स हैं जो एग्जाम में, जिनके चांसेस आने के फिलहाल 5-6 मेजर होते हैं। हम तुमको 5-6 टिक करवाएंगे, बाकी बताएंगे 18-19 5-6, लेकिन अगर तुमने याद कर लिया तो हाई चांस है तुम्हारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलो, तो लीनियर हमारा हो गया, ब्रांच हो गया, क्रॉसलिंक हो गया, समझ गया आपने। सर एक बात और हमको समझा दी कि जो नेटवर्क पॉलीमर्स हैं, क्रॉसलिंक है, उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने ये क्लासिफिकेशन भी देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीमराइजेशन होने के बेसिस पे। जैसे तुमको हमने बताया दो, एक हमने तुमको बताया एडिशन और दूसरा हमने तुमको बताया कंडेंसेशन। स्टार्टिंग में हमने तुमको समझा दिया था सर एडिशन के अंदर क्या है। एडिशन के अंदर सर क्या है, देखिए कुछ नहीं, देखिए इथीन था तो इसने बहुत सारे क्या करा, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जोड़े, लेकिन सेम ही टाइप का मोनोमर जोड़ा, तभी इसको हमने क्या बोला, होमोपॉलीमर। होमो मतलब सेम, मतलब इथीन ने इथीन से जुड़ा, इथीन फिर इथीन से जुड़ा, फिर इथीन से जुड़ गया, मतलब कुल मिला के एक ही तरह का हमारा मोनोमर है। तो सेम लोग जब आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं, सेम मॉलिक्यूल हमारा आपस में जुड़ता चला जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन हो रहा है। सर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ठीक है भाई, यस और नो, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर। लेकिन यहीं पे मान लो अगर एडिशन में एक कोई और हो, दूसरा कोई और हो, तब इसको हम क्या बोलेंगे, तब इसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स, ठीक है, कोपॉलीमर्स का मतलब ये है कि सिंपल एडिशन रिएक्शन तो है, लेकिन उसमें दो अलग अलग मोनोमर हैं। तो सेम मोनोमर है तो कुछ नहीं, तुम उसको होमोपॉलीमर का नाम दोगे। ठीक है, होमोपॉलीमर हो गया, मतलब सेम जुड़े, सेम लोग ऐड हो गए, सेम मॉलिक्यूल्स ऐड हुए। और अगर तुम यहाँ पे कोपॉलीमर्स को देखो तो कोपॉलीमर्स में सर डिफरेंट मोनोमर्स ऐड होते हैं, ठीक है, चलो ओके, समझ गए हम लोग, ओके ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात कर लेते हैं जरा कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, कि सर जब दो, अभी तुमको एग्जाम्पल हमने यही दिया था, ये हमारा हेक्सामिथाइलिन डायमाइन है, ये हमारा एडिपिक एसिड है। ठीक है, तो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड जब दोनों जुड़ते हैं तो भैया क्या बनता है, हमारा नायलॉन 6,6 बनता है। और इसके साथ कमाल की चीज ये है कि दो डिफरेंट हैं, ठीक है, चलिए जुड़े, लेकिन इसको एडिशन नहीं बोल रहे हैं, इसको हम लोग कंडेंसेशन बोल रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है। जब जब ये दोनों जुड़ेंगे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आएगा, और जब ये n टाइम्स जुड़ेंगे, जब इनके बहुत n मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे आपस में, तो यहाँ पे n वाटर बाहर आएगा और हमारा बनेगा नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर है जो एग्जाम में तुमसे पूछा जा सकता है। सबको पता रहना चाहिए कि नायलॉन 6,6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर, जो हमारा किससे बना है सर, जो हमारा बना है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड से। ये तुमको पता रहना चाहिए, आज तुमको हमने सबसे पहले यही बताया था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमारी सबसे पहली जो स्लाइड थी उस पे ये था। ठीक है, हेक्सामेथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड, इसको बिल्कुल मत भूलो, बहुत बार हम तुमको बताएंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा सकता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन सोर्स हो गया, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पे हमने देखा, चेन्स के आधार पे, फिर हमने एडिशन और कंडेंसेशन समझ लिया, ये भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो एडिशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, फिर हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स हमारा होता है इलास्टोमर्स होते हैं। इनमें सर क्या है कि इलास्टोमर्स से सर क्या है ना, जैसे नेचुरल रबर, न्योप्रीन, वल्कनाइज रबर, इन सब के बीच में सर क्या है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा नहीं है भाई। ठीक है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, वीक है, हम यहाँ बोल सकते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पॉलीमर्स। ठीक है, उनके जो मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े बने हैं वो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाते हैं और उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो वीकेस्ट है। फिर यही अगर हम बात करें फाइबर्स की, तो फाइबर्स में सर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बीच में। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो जैसे कि नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तुम देखते हो इंडस्ट्री में जितने भी क्या नाम है नायलॉन के फाइबर्स वगैरह बनते हैं, जो धागे वगैरह बनते हैं वो सब इसके इसी के होते हैं, फाइबर्स उनको बोलते हैं, ठीक है। उन सबकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक की और थर्मोसेटिंग की, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बेटा एग्जाम में पक्का आएगा, इसको स्टार बना देते हैं जल्दी से हम लोग, इसको सर स्टार बनाते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, एक लाइन में समझो, सिंपल सी बात, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तुमको हमने बताया नायलॉन 6,6 बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देखो थर्मोप्लास्टिक क्या है, ये क्या है सर, ये ऑलमोस्ट सीधे हैं, ऑलमोस्ट लीनियर है, लेकिन इनमें ब्रांचिंग होती है बहुत ज़्यादा, इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है सर। थर्मोप्लास्टिक के अंदर सर क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग होती है। अब तुम ही बताओ, क्रॉस लिंकिंग होती है तो क्या ये मूवमेंट कर पाएंगे? नहीं। इनको अगर तुमने एक बार कूल कर, देखो इनको क्या करा हमने, एक बार हीट करा, अगर तुमने एक बार हीट करा और जब तुम हीट कर, क्या नाम है, एक सेकंड को, थर्मोप्लास्टिक है ना और सेटिंग है, हाँ, तो इसको क्या नाम है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, ब्रांच चेन्स हैं इसमें और इसमें क्रॉस लिंक इसमें है, हाँ उल्टा बता दिया बेटा, सुनो, इसमें क्रॉस लिंक नहीं है। तो ये क्या होंगे, जब इनको हम ठंडा कर, इसको गर्म करो और फिर जब ठंडा करोगे तो वापस अपने शेप में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब इनको हम क्या करते हैं, ये हमारा इस पर रिपीटेड हम लोग सॉफ्टनिंग कर सकते हैं जब आप इसको गर्म करेंगे, और ये कूल हो जाएंगे, जब इसको कूल करेंगे तो वापस से हार्ड हो जाएगा। मतलब आपने जब गर्म किया तो सॉफ्ट हो गया, जब आपने इसको कूल करा तो हार्ड हो गया, फिर से ये हो जाएगा, फिर आप इसको गर्म करेंगे तो फिर से ये पिघल जाएगा, फिर से जब इसको कूल करेंगे फिर से हार्ड हो जाएगा। तो गर्म करने पर पिघल जा रहा है, सॉफ्ट हो जा रहा है, और ठंडा करने पर हार्ड हो जा रहा है। ऐसा प्रोसेस आप बार बार कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इनके बीच में कोई भी क्रॉस लिंक नहीं है, इनके बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तब इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मो मतलब हीट, हीट करने पे, ठीक है, आप ये आपका ये शेप बिगड़ेगा और जब आप इसको कूल करेंगे वापस से हार्ड होके वही शेप ले लेगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स। इट इज केपेबल ऑफ रिपीटेड सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग, ये इसका मेन मतलब है, ठीक है, हीट करने पे। लेकिन थर्मोसेटिंग का क्या मतलब है? थर्मोसेटिंग का मतलब ये है कि अगर सर आपने उसको एक बार हीट कर दिया, अब क्योंकि सर उसके बीच में ऐसा, इसका रीजन क्या है, देखो, अगर आपने उसको एक बार हीट कर दिया तो उसके बाद वो दोबारा लौट नहीं सकता है। आपने उसको एक बार हीट करा और उस पर जो क्या नाम है ब्लैक कलर का अगर उसमें स्क्रैचेस वगैरह आ गए, चैरिंग अगर उसकी हो गई, तो दोबारा से वो वापस क्या होगा, हार्ड नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बीच में होती है क्रॉस लिंक्स, ठीक है, उनके बीच में ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है। इनके बीच में ब्रांचिंग हो सकती है लेकिन हल्की फुल्की, लेकिन इसमें सर एक्सटेंसिव यहाँ पे क्रॉस लिंकेजेस होते हैं, इतने ज़्यादा क्रॉस लिंकेज होते हैं कि अगर एक बार आपने उसको हीट किया तो वो सारा का सारा आपस में फ्यूज़ कर जाएगा और दोबारा से वापस आपका वही शेप देखने को मिलेगा। जैसे तुम्हारी चेयर्स वगैरह होती है, इमेजिन करो चेयर वगैरह होती है, उसको तुम हीट करो तो वो काली पड़ जाएगी वहाँ से, ठीक है, ब्लैक रंग की पड़ जाएगी और कुछ वापस नहीं आना है, ठीक है। लेकिन कुछ पॉलीथीन ऐसी होती है, इनको तुम हीट करो तो वो उसका शेप बिगड़ेगा और वापस से जब तुम उसको छोड़ दोगे तो फिर से वो हार्ड हो जाएगी, है ना। तो होता है ऐसा। तो ये हमारा थर्मोसेटिंग, नाम से देखो समझ में आ रहा है, थर्मोप्लास्टिक सेटिंग। थर्मोप्लास्टिक्स में हीट हमने करा, फिर सॉफ्ट हो गई और कूल किया तो वापस से हार्ड हो गई, लेकिन यहाँ पे ऐसा वापस वाला कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बेकलाइट और यूरिया फॉर्मलडहाइड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बेसिक पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, जितने भी बेसिक हमारे एडिशन पॉलीमर्स हैं, जिसमें इसमें क्या होता है, पॉलीथीन में इथीन जुड़ता है, पीवीसी में क्या होता है, विनाइल क्लोराइड का बार बार रिपीटिशन होता है, पॉलीस्टाइरीन में स्टाइरीन का बार बार रिपीटिशन होता है, पॉलीप्रोपीन में प्रोपीन का बार बार रिपीटिशन होता है, तो हमारा पॉलीप्रोपीन बन जाता है, समझ रहे हो। चलो, तो ये हमको पता रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये तुमको। अब देखो इसका जरा थोड़ा सा और अच्छा डिफरेंस तुमको हम यहाँ बताते हैं, और अच्छा डिफरेंस हम तुमको यहाँ बताते हैं। यहाँ पे देखो एक टेबल बना रखी है हमने, तो शायद तुमको दिख रहा हो ये, ठीक है। इसको एक रीडिंग दे दो, तुमको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक और इधर सेटिंग, इधर ये जो है ये वापस नहीं आने वाले और ये वापस आने वाले, तो इनके जरा हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं और इनके प्रोज एंड कॉन्स समझ लेते हैं, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक के जो प्लेट है वो सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पर और ज़्यादा फ्लूइड जैसे हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती क्योंकि उनके बीच में कोई बॉन्डेज है नहीं, ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेनली ये जो प्लास्टिक है ये रिसाइकिल हो सकती है। तुमसे पूछे विच प्लास्टिक इज रिसाइकिलेबल, तो तुम बताओगे थर्मोप्लास्टिक, नॉट थर्मोसेट, ठीक है, ये सबसे पहली बात। और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें थर्मोसेटिंग की, तो इसका जो जब आप इसको हीट करते हैं सर, तो इनकी जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है, और एक बार अगर यहाँ पे रिएक्शन हो गई तो वापस वो रिवर्स नहीं की जा सकती, समझ गए हो। तो उसमें क्या है कि आप वापस से उसको वैसा नहीं बना पाएंगे, यही सबसे बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको जनरली हम लोग जिसमें हाई हीट एप्लीकेशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ अप्लायंसेज होती हैं, जैसे फ्यूजेस बनते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं, ठीक है। फीचर बेनिफिट्स अगर देखो तुम यहाँ पे, ठीक है, फीचर्स और बेनिफिट्स देखो तो बहुत सारे इसमें परफॉर्मेंस बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन जनरली हाई स्ट्रेंथ, श्रिंक रेजिस्टेंस, ईजी बेंडेबिलिटी, आराम से बेंड हो जाते हैं सब मटेरियल, ये सब हमको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। और इनमें जो है स्ट्रेस ज़्यादा नहीं देना होता है, कम ही स्ट्रेस पे काम करना होता है। और फिलहाल इनमें हम लोग क्या करते हैं सर, इनकी जो ठीक है। थर्मोसेट प्लास्टिक हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जहां पे हमको स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए होती है। इनको हम कहाँ यूज करेंगे, जहां पे बेंडिंग वेंडिंग आराम से हो सके, है ना, कुछ ऐसे वायर्स जिनको हम बेंड करके यूज कर सकें। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ जैसे तुम्हारे फर्नीचर्स वगैरह होते हैं, चेयर्स में यूज होता है, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हीट रेजिस्टेंस, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी तुमको चाहिए। तुम्हारा प्लास्टिक इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ अपनी जगह से हिले विले नहीं, ठीक है। तुम जो बताओ चेयर है, चेयर पे जब तुम बैठते हो क्या वो हिलने लगती है, क्या वो बेंड हो जाती नहीं, तो वो थर्मोसेटिंग है ना। और कुछ प्लास्टिक ऐसी इमेजिन करो जो बेंड हो जाती है, तो वो तुम्हारी थर्मोप्लास्टिक होंगी। तो यही इनका एडवांटेज है। बाकी अगर तुम और प्रोज एंड कॉन्स देखो, पहले प्रोज देख लेते हैं। ये रिसाइक्लेबल होती है, काफी सुंदर होती है, इंपैक्ट रेजिस्टेंस ज्यादा, इसकी रिमोल्डिंग आप कर सकते हैं, रीशेपिंग कर सकते हैं, केमिकल रेजिस्टेंस ज्यादा है और इको फ्रेंडली है। यहाँ पे अगर तुम इसके फायदे देखो, इसके फायदे देखो थर्मोसेटिंग के, तो ये हाई टेम्परेचर को रेजिस्टेंट है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ इसमें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सुंदरता इसमें भी बहुत ज्यादा है और कॉस्ट इफेक्टिव है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये इसको आप थिन मेंबर्स इसके काफी स्ट्रांग रहते हैं थर्मोसेटिंग में। और अगर डिसएडवांटेज हम लोग देखें तो ये महंगे होते हैं और पिघल जाते हैं हीट करने पे। लेकिन अगर इनकी हम लोग बात करें, ये रिसाइकिल नहीं कर सकते, इनको रिसाइकिल कर सकते हैं लेकिन इनको रिसाइकिल नहीं कर सकते, ठीक है। और इनको शेप देना, रिमोल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये थर्मोसेटिंग है, ठीक है। हाँ, सेटिंग मतलब सेट हो जाने वाला, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं हम लोग। बस तो इतना याद रखना तुम लोग, इतना याद रखना। बाकी लास्ट हमारा इस चैप्टर में यही है, हमको बहुत सारे पॉलीमर्स के नाम याद करने हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, है ना। जूम कर लेते हैं, इतना सही है, दिख रहा होगा तुम लोग को अब सब सारा, है ना। तो यहाँ पे कोई 18-19 है जिनमें से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। किसी भी ESE के पेपर में तुमसे इनसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तो सबसे पहला है पॉलीइथीन। देखो नाम से लिखा हो पॉलीइथीन, इथीन, ये इथीन है हमारा, ये इथीन है, मोनोमर यहाँ तुम्हारा बना हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका यूज क्या है सर, इसको हम लोग पॉलीथीन तो यार बहुत जगह यूज होती है, तुम लोग देखते हो घर में हम लोग कोई भी सामान लेके आते हैं तो पॉलीथीन में तो लेके आते हैं, वही पॉलीथीन है, ये बस एक पैकिंग मटेरियल है। और हर तुम कोई भी नया सामान खरीदो उसके ऊपर क्या होता है, तुम्हारी पॉलीथीन की पैकिंग होती है। फिर हमारा पॉलीस्टायरीन है, इसके खिलौने वगैरह बनते हैं बहुत सारे। तो स्टायरीन में क्या होता है यार, देखो तुम्हारा इथीन मॉलिक्यूल है, उसमें एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे बेंजाइल रिंग लगी होती है C6H5, बस वही और कुछ नहीं है। तो ये स्टायरीन हमारा है। और देखो यूजेस तुमको बता रहे हैं, यहाँ पे खिलौने बनते हैं, इंसुलेटर का काम करता है, रैपिंग वगैरह का काम होता है। ये हमारा हो गया पॉलीस्टायरीन, ठीक है। फिर PVC की अगर हम लोग बात करें, PVC देखो एक बात समझो, तुम देख सकते हो यहाँ पे ये जुड़ते चले जाएंगे, ये एडिशन भी है, पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो देखो ये विनाइल क्लोराइड कहलाता है, ये इथीन है, इथीन में एक H की जगह CL लगा हुआ है, तो ये हमारा CH2CHCl है, विनाइल क्लोराइड। और ये बार बार रिपीट होता जाएगा, तुम्हारा PVC बन जाएगा। तुमने सुना होगा PVC के बहुत सारे पाइप बनते हैं, फ्लोरिंग बनते हैं, PVC के कपड़े भी आते हैं, तुमने रेनकोट वगैरह पहने होंगे, रेनकोट वगैरह पहनते होगे, तुमने देखा होगा। आजकल भाई PPE किट बनती है बहुत सारी, है ना, कोविड का टाइम चल रहा है। तो हमारा PVC जो है इन्हीं सब कामों में यूज होता है, हैंडबैग्स इसके बनते हैं, रेनकोट्स बनते हैं, लिखा हुआ है देखो, लेदर के क्लोथ्स, और ये सब चीजें बनती है किसकी, PVC की। फिर हम लोग बात करते हैं टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन तुमने देखा होगा घर में जो पैन वगैरह होते हैं उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग आजकल होती है, नॉन स्टिकिंग पैन्स बनते हैं, वो टेफ्लॉन के बनते हैं। टेफ्लॉन कुछ नहीं है, वही जो CH2 था उसमें दोनों H हटा के F कर दो, दोनों H हटा के F कर दो, उसी को बोलते हैं हम लोग टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मतलब कुछ नहीं है, इसमें क्या है, पॉली तुम्हारा मतलब बहुत बार रिपीट होगा ये मॉलिक्यूल। टेट्राफ्लोरो मतलब चार बार फ्लोरीन है, इथाइलिन मतलब इथीन ही है, टेट्राफ्लोरो इथीन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन बोलते हैं, जब वो बहुत बार रिपीट कर जाता है, ठीक है सर। चलो, और ये भी एडिशन हो जाएगा, इसमें कोई मॉलिक्यूल बाहर नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा एडिशन पॉलीमर है। अभी तक हमने जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ा है, सारे के सारे एडिशन पॉलीमर है। नोवो लैक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखो कहीं भी तुमको टर्म लैक दिखाई दे, हम तुमको जब पेंट और वार्निश पढ़ाएंगे तो लैक, शेलैक, बहुत सारे तुमको लैक वाले टर्म दिखाएंगे, तो वो जो लैक वाले होते हैं वो सब वार्निशेज और लैकर्स और ये सब बॉन्डिंग देने में काम आते हैं, ठीक है। वार्निश क्या होता है तुमको हम बाद में बताएंगे, अभी जब पेंट वार्निश पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पांचवा, चार ऊपर के इंपॉर्टेंट थे। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल कुछ नहीं, देखो ये फिर CH2 है, एक H हटके यहाँ CN लग गया। अब देखो तुम एक बात यहाँ पे यार, पहला वाला जब हमने देखा सर, जब हमने पहला देखा CH2, अब देखिए इसी आपने एक H हटा के C6H5 लगाया तो पॉलीस्टायरीन हो गया, एक जगह आपने H हटा के CL लगाया तो विनाइल क्लोराइड हो गया, अब आपने एक जगह CL हटा के एक H हटा के CN लगाया, CN, तो हमारा क्या हो गया, एक्राइलोनाइट्राइल हो गया। अब इसी को आप रिपीट करते जाएंगे तो आपका पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बन जाएगा, ठीक है। तो वो जो वुलन सिंथेटिक तुम देखते हो, सिंथेटिक वूल देखते हो, वो सब इसी के बने होते हैं, इन मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स एंड सिंथेटिक वूल, ठीक है। बाकी फिर क्या हमारा कुछ रबर्स होती हैं, Buna-S जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। अब तुम यहाँ देख सकते हो स्टायरीन मतलब यहाँ पे C6H5 लगा हुआ है, ब्यूटाडाइन यहाँ पे दो, तुम यहाँ इसको देखो यार, इसको देखो यहाँ पे दो बार इन लगा हुआ है, एक यहाँ 3 लगा दिए, गलत कर रखा है इन्होंने। 1 2 2 होगा। ब्यूटाडाइन है ना, 4 रिंग होनी चाहिए ना। हाँ ठीक है, हाँ सही है यार। ये बी अलग है, ये स्टाइरिन है तुम्हारा, ये स्टाइरिन है और ये तुम्हारा ब्यूटाडाइन है। हाँ 1 और 2 बॉन्ड, ये 4 की चेन। ब्यूटा का मतलब 1 2 3 4, ब्यूटा का मतलब 1 2 3 4 हमारा कार्बन चेन है और 2 उसमें डबल बॉन्ड है, तभी उसको डाइन लिखा। और ये तुम्हारा स्टाइरिन है, ये आपस में जुड़ेंगे, आपस में जुड़ेंगे और हमारा Buna-S रबर बनेगी, Buna-S। और ये इससे जो है तुम्हारे टायर्स वगैरह बनते हैं, फुटवेयर बनते हैं। तो जो तुम्हारी चप्पलें होती हैं, जो टायर्स बनते हैं, वो हमारे Buna-S के बनते हैं। ठीक है, ये रबर है, ये रबर है, ये सिंथेटिक रबर है। ठीक है, सिंथेटिक रबर है। तुमको हमने देखो यहाँ एनसीईआरटी में बताया भी था रबर के बारे में। एनसीईआरटी में देखो तुमको रबर बताया था। एक बार जरा एनसीईआरटी में लोग थोड़ा सा रबर के बारे में देख लेते हैं, जल्दी आ जाओ भैया। एनसीईआरटी में कोपॉलीमर तुमको हमने बता ही दिया है। एनसीईआरटी हाँ देखो, ये रही हमारी, ये रबर्स हैं। ठीक है, तो देख सकते हो तुम यहाँ पे नेचुरल रबर्स तुम देख पा रहे हो। ये देखो भाई, वही सेम, ये ब्यूटाडाइन, ये तुम्हारा स्टाइरिन, दोनों आपस में जुड़े, बन गया हमारा Buna-S। ये हमारा बन गया Buna-S, वही अभी जो हमने पीछे देखा था। ठीक है, अच्छा देखो नेचुरल रबर जो होती है, नेचुरल रबर बहुत ही मतलब कॉमनली अवेलेबल है। मतलब ये सब पेड़ों से मिलती है, हमको पेड़ों से मिलती है। ठीक है, जो पेड़ों का लेटेक्स होता है, जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अमेरिका में जो प्लांट्स हैं, वहाँ पे उनको नेचुरल रबर मिलती है। वो हमारा क्या है, इस तरह की नेचुरल चेन्स रहती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है यार। अब क्या, इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, इसी नेचुरल रबर को, इसी नेचुरल रबर की चेन को क्या करते हैं, अरे कुछ नहीं यार, देखो बहुत सिंपल तो है ये अपना क्या है हमारे, ये पॉली आइसोप्रीन है, पॉली आइसोप्रीन है। इसमें क्या करें, और सिस है, सिस का मतलब दोनों एक ही साइड है, ये है ना, बॉन्डिंग एक ही साइड, बॉन्डिंग एक ही साइड है ना। चलो ठीक है, वो समझ जानो। अब सर क्या है कि ये जो रबर है सर, इसको हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, गर्म करके इसमें मिला देते हैं। क्या इसमें गर्म करके हम लोग क्या मिला देते हैं, लिखा हुआ है सल्फर। ठीक है, इसमें सल्फर मिलाते हैं। तो सल्फर मिलाने के बाद जब हम क्या करते हैं सर, सल्फर मिलाने के बाद और इसमें कुछ एडिटिव्स मिलाने के बाद सर, इसको हम जब ठंडा करते हैं वापस से, तो ये रबर बहुत स्टिफ हो जाती है। स्टिफ हो जाती है क्यों, क्योंकि सर इसमें सल्फर के क्रॉसलिंग बन जाते हैं भैया। जो हमारी चेन चल रही थी उसमें हमने जब वल्कनाइजेशन किया, वल्कनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, रबर को हम लोग हीट करके बीच में सल्फर लगा देते हैं। तो सर क्या होता है, सल्फर यहाँ पे क्रॉसलिंग का काम करते हो। जब क्रॉसलिंग आ जाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सब लोग याद रखेंगे व्हाट इज वल्कनाइजेशन, और वल्कनाइजेशन के अंदर हम लोग क्या ऐड करते हैं, सबको पता रहना चाहिए भैया। ठीक है, सल्फर ऐड करते हैं हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर ऐड करके हम लोग अपनी रबड़ को सॉफ्ट से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वही रबड़ जो पहले स्प्रिंग की तरह दब जाती थी, वही रबड़ जो स्प्रिंग की तरह पहले दब जाती थी, अब क्या होगा, उसमें स्टिफनेस उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, स्टिफनेस उसकी बढ़ जाएगी। तो कई सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, वापस आ जाते हैं हम लोग। तो यही तुम्हारा क्या है यार, ये तुम्हारा Buna-S है, या इसको SBR बोल सकते हैं, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, टायर्स और फुटवेयर बनते हैं। ठीक है, फिर हमारी नाइट्राइल रबर है, ये Buna-N है। ये Buna-S क्यों है, क्योंकि बेटा यहाँ पे स्टाइरिन यूज कर रहे हैं। ये Buna-N क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये नाइट्राइल यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नाइट्राइल यूज कर रहे हैं। किस काम में आता है ये सर, आता है कि आपकी जो मैन्युफैक्चर ऑफ होसेस, टैंक लाइनिंग्स, इन सब में काम आता है। ठीक है, ये भी आपकी रबर है, ये भी आपकी नाइट्राइल रबर, इसको बोल रहे हैं हम लोग, नाइट्राइल रबर बोल रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा नियोप्रीन है, नियोप्रीन देख सकते हो, इसके अंदर हमारा क्या है सर, नियोप्रीन में सर क्या है हमारा, ये क्लोरोप्रीन यूज होता है। नियोप्रीन में हमारा जो मोनोमर यूज हो रहा है वो कौन है, क्लोरोप्रीन, और जुड़ता जाता है। ये इंसुलेटर और मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स, प्राइमिंग रोलर्स, इन सब में काम आता है। बाकी नेचुरल रबर है, ये तो तुमको हमने बताई दी अभी। नेचुरल रबर में आइसोप्रीन होता है। ठीक है, आइसोप्रीन चेन ही चेन लाइन से जुड़ती है, और इस नेचुरल रबर को हम लोग वल्कनाइज करते हैं, वल्कनाइज करते हैं ताकि इसकी स्ट्रेंथ क्या हो, बढ़ जाए, ताकि इसकी स्ट्रेंथ क्या हो, बढ़ जाए भाई। ठीक है, ओके चलो ठीक है सर, पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, पीडीएफ चिंता ना करो। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी। फिर हमारा डैक्रॉन है, ऐसे तुम डैक्रॉन देख सकते हो। ठीक है, ये डैक्रॉन है हमारा। इथाइलिन, ये हमारा क्या है, इथाइलिन अल्कोहल है दोनों तरफ। ठीक है, एक ग्लाइकोल इसको बोलते हैं, और ये हमारा दूसरा मोनोमर है जिसमें 2 बार हमारा COH है, इसको डैक्रॉन बोलते हैं। ये हमारा, और ये बेल्ट्स और टेंट्स, जो टेंट के तुमने प्लास्टिक्स देखी हैं, वो हमारा डैक्रॉन से बनता है, टेरिलिन बोलते हैं। बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तुम देख सकते हो, पॉलीप्रोपीन है, ग्लिप्टल है, फिर नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 6,6 है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, नाइलॉन 6,6 इंपॉर्टेंट है। इसके जो मोनोमर सर कौन कौन है, एक तो हेक्सामेथिलीन डायमाइन है, और दूसरा एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमाइन, इन दोनों के जुड़ने से हमारा नाइलॉन 6 बनता है, जिसको हम लोग पैराशूट्स में, कारपेट्स में, ब्रश बनाने में, सिंथेटिक फाइबर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेकलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ पे ये 3 बस आखिरी 19 हो गए, खत्म है यहाँ पे। ठीक है, हम तुमको इसमें इंपॉर्टेंट टिक कर देने जो तुमको याद करने हैं। ठीक है, बेकलाइट सर बता दीजिए जरा एक बार, फॉर्मलडिहाइड और क्या है ये हमारा 6,6H5OH, फॉर्मलडिहाइड और क्या नाम है फिनॉल, ये फिनॉल हमारा कहलाता है, इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, इन्हीं को हमको फोकस में लाना है। और जो हम टिक बताएं, जो टिक लगाते हैं बस उन्हीं को याद कर लेना, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल से जो जोड़ के बनता है वो हमारा बेकलाइट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में तुमसे पूछ सकता है कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के जुड़ने से कौन सा हमारा पॉलीमर बनता है, तो तुमको पता रहना चाहिए, वो होता है हमारा बेकलाइट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, थर्मोसेट प्लास्टिक है ये, और गेयर बनाने के, प्रोटेक्टिव कवरिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ये सब हमारी इससे बनती है, ठीक है। चलो बाकी लास्ट में हमारा क्या है भाई, इसके बाद हमारा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। देखो अभी ये क्या है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, अब तुम्हारा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड आ गया, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड तो बेकलाइट, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, तो हमारा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। फिर हमने मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड को जोड़ा तो हमारा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बन जाएगा। ये तीनों ही हमारा फॉर्मल्डिहाइड के साथ है भाई, तीनों ही, एक बार फिनॉल, एक बार आपका यूरिया और एक बार आपका मेलामाइन, ठीक है। और ये सारे ही हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे थर्मोसेट प्लास्टिक हैं। और बाकी तुम ये पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, पीएचबीवी अगर रबड़ देखो तो ये जो तुम्हारी है यार, ये तुम्हारी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, ठीक है। कुछ प्लास्टिक्स ऐसी बनाई गई हैं इको फ्रेंडली जो बायोडिग्रेडेबल हो, जिनको बैक्टीरिया क्या कर सके, बायोडिग्रेडेबल मतलब समझते हो ना, जिनको बैक्टीरिया कंज्यूम कर सके, जो इको फ्रेंडली रहे, जो प्लास्टिक ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। सबको पता है हमारी प्लास्टिक जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, बैक्टीरिया उसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो ये वाली जो प्लास्टिक तुम देख रहे हो स्पेशल प्लास्टिक है जिसको बैक्टीरिया हमारा कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारा पैकेजिंग, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेज जो होती हैं हड्डियों में जो यूज़ की जाती हैं, और ड्रग रिलीज वगैरह, इन सब में काफ़ी काम आता है, ठीक है। अब जरा जल्दी से टिक लगा देते हैं कौन से सर हम लोग को याद रखनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन सीधे बनेंगे यार, देखो हम तुमको बता रहे हैं चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, चांसेस बहुत लीस्ट हैं। थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग का डिफरेंस तुमको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या है, रिसाइक्लेबल सिस्टम है, हीट करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, ठंडा करोगे तो वापस से हार्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें काला निशान आ जाएगा वापस से, वैसा तुमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये हमारा बेसिक था आज के चैप्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी हमने पॉलीमर्स के बहुत सारे नाम देखे, सर आप टिक लगा दिए, वही हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो तुम देख सकते हो सबसे पहला जो हमारा है यार वो कौन सा है सर, सबसे पहला हमारा कौन है, पॉलीथीन। यहाँ देख पा रहे होगे पॉलीथीन, थोड़ा जूम करते हैं हम लोग हल्का सा, हाँ अब देखते हैं। तो ठीक है सर, सबसे पहला हमारा कौन है, पॉलीथीन। इंपॉर्टेंट, पॉलीथीन हमको पता चाहिए, एडिशन है ये, एडिशन। बस सीधे इथीन जुड़ गया, स्टायरीन जुड़ गया, यहाँ पे विनाइल क्लोराइड जुड़ गया सर, यहाँ पे टेफ्लॉन में CF2 जुड़ गया सर। ये चारों याद रख लेंगे भाई, चारों याद रखेंगे, इनके यूजेस वगैरह सीधे पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद नोवोलैक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Buna-S और Buna-N, Buna-S याद करो, N की जरूरत नहीं है, ठीक है। Buna-S हमारा इंपॉर्टेंट रबर है, तुमको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये 5 हो गए। उसके बाद नियोप्रीन बेकार है, हाँ ये याद रखो। नेचुरल रबर याद कर लो, डैक्रॉन याद कर लो, ठीक है। प्रोपीन जरूरत नहीं है, ग्लिप्टल इंपॉर्टेंट नहीं है, नायलॉन 6,6 वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो भैया डबल इसको कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट। बेकलाइट बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स उनसे पूछ सकते हैं। अब नायलॉन 6 नहीं आएगा, नायलॉन 6 नहीं पूछा जाता है। तो हमने तुमको कितनी बता दी, देखो टोटल कितनी हो गई सर, यहाँ पे 4 इधर हो गई, 4 इधर हो गई हैं, फिर 4 ये और ये 5 6, इन सबको तुम्हें याद करना पड़ेगा, एग्जाम से पहले एक दिन देख लेना। 7 और ये 8 9 10 11, ठीक है। 10 पॉलीमर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं बस, ठीक है। तो हमने बेसिकली आज बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक को कंपेयर किया सर, हमने कंपेयर किया। बाकी हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखा, सबका क्लासिफिकेशन देखा बेस्ड ऑन किस तरीके से उनको पॉलीमर किया गया है, पॉलीमराइज किया गया है, वो हमने देखा। बाकी कंडेंसेशन देखा, एडिशन देखा, बाकी हमने उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्रॉस लिंक, ब्रांच और लीनियर पॉलीमर के बेसिस पे देखा। बस यही हमारा बेसिक सा चैप्टर है, खत्म हो गया। और बेस्ड ऑन सोर्स देखा, ठीक है। और हमने देखा कि इनकी प्रॉपर्टीज़, जब आप पॉलीमराइज कर देते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल बहुत हैवी हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इन्हेंस हो जाती हैं, काफ़ी हार्ड हो जाता है, जिसको हम लोग कई सारे यूजेस में ला सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको कोशिश की जा रही थी पहले रोकने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा होता था प्लास्टिक का, है ना। लेकिन ऑब्वियसली फिर हमने ऐसी प्लास्टिक बनाने की कोशिश करी जो बायोडिग्रेडेबल हो और जिसको रिसाइकिल भी कर सकें, ठीक है। प्लास्टिक की सबसे खास बात यह है कि रिसाइकिल हो जाती है, तो इसलिए इतनी घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो लेकिन हाँ, इसके यूज़ को स्ट्रिक्ट करना जरूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे डिजास्टर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो सब तुम लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है। फिलहाल जो हमने तुमको बताया इसको सबको याद कर लेना। ये PPT तुमको ऑलरेडी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर तुमको ये मिल जाएगी, तो आई होप तुमको सब समझ में आ गया होगा। और इसके साथ सर हमने BMC का एक चैप्टर और समाप्त कर दिया है जिसका नाम था प्लास्टिक। तो हमारा अब सब खत्म हो गया है, बच रहा है स्टील, जिसको हम कल देखेंगे। और स्टील के बाद हम लोग पढ़ेंगे पेंट वार्निश, जो कि हमारे ESE में तो नहीं है फिलहाल, लेकिन SSC के सिलेबस में है। लेकिन सर तुमको फिर भी वो पढ़ाएंगे, पेंट वार्निश पढ़ाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो कल स्टील और उसके बाद पेंट वार्निश। और PPT के लिए सभी लोग सर के टेलीग्राम चैनल चेतन सर CSN पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बाकी हम तुमको अभी अगले मंथ स्पेशल क्लासेस में तुमको हम इन सब के क्वेश्चंस भी करा देंगे, जिससे तुमको एग्जैक्टली आइडिया लग जाए कि कौन कौन से पॉलीमर से कैसा क्वेश्चन बनेगा, एल्यूमिनियम से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, स्टोन से, लाइम से, जो नए नए टॉपिक्स हैं इन सबसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, फ्लाइज से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो सारे क्वेश्चन हम उनको फ्रेम करके आने वाले मंथ की स्पेशल क्लासेस सब अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो आई होप तुमको मजा आया होगा, बढ़िया से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तुमको मिल जाएगा, चिंता ना करो। हम ये भेजेंगे ना बेटा प्रफुल, ये भेजेंगे, तुम इसको इस वाली पीडीएफ को पढ़ना। हम तभी तो हमने कलेक्ट करके अच्छा मटेरियल बनाया है यहाँ पे, तो कोई चिंता नहीं करनी है, बस इसको याद रखो। और उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में अपना। और सभी को थैंक यू जिन्होंने क्लास अटेंड करी है, थैंक यू एवरीवन। और हम लोग अब मिलते हैं कल, तो हमारा वही जो चल रहा है चलता रहेगा। सुबह 7 बजे आरसीसी चल रहा है, जैसे हम लोग अपना बीम स्लैब के कोड्स देख रहे थे, कोडल प्रोविजन देख रहे थे, डिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, सुबह वही चलता रहेगा। और दोपहर में कल हम लोग पढ़ेंगे स्टील, कल स्टील देखेंगे, स्टील का क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं बीएमसी में ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को मजा आएगा। सेशन को शेयर वेयर कर देना अपने हिसाब से। और थैंक यू एवरीवन, सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है, चलो टेक केयर। इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस समथिंग ग्लोरियस। अनअकैडमी कॉम्बैट, compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with a test to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators, with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.